हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं दीक्षा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट रनिंग अकेडमी पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी चल रही है रेलवे सीरीज, जिसमें आपको करवाया जा रहा है, ये क्लास है आप हिस्ट्री की, ठीक है? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक जी के सब कुछ मैं आपको कवर कराऊंगी यहीं पर, ठीक है? तो हम अभी क्लास कर रहे हैं आज हिस्ट्री की, और हिस्ट्री और पॉलिटी को साथ लेके चल रहे हैं। एक दिन हिस्ट्री क्लास, एक दिन पॉलिटी क्लास, ठीक है? और सारे ही जो क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो रेलवे ने विगत वर्षों में पूछे हुए हैं, ठीक है? अलग अलग विभागों से क्वेश्चन है, RRB, NTPC, है ना? हम कर रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है? इससे पहले हमारी हिस्ट्री हो चुकी है, कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हमारी ये है थर्ड नंबर की क्लास, और जिसमें आपको मेडिवल हिस्ट्री कराई जा रही है। सबसे पहले हमने जो स्टार्ट की है, मेडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट की है, ठीक है? हम जो एंशियंट इंडिया है वह हम बाद में करेंगे, ठीक है? इसके बाद हम वही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? चलेगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था? क्या दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसकी स्थायी सेना का निर्माण किया था? बलबन ने, मुहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी ने? किसने किया था दोस्तों, प्यारे मित्रों? आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? खिलजी वंश का दूसरा शासक आपका अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है? इसी ने क्या स्टार्ट किया? स्थाई सेना स्टार्ट की, साथ ही बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसी ने शुरू की थी। क्या? बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, ठीक है? साथ ही सेना का ड्रेस कोड, सेना का क्या ड्रेस कोड, यानी कि उनकी ड्रेस एक जैसी होगी, ठीक है? ये सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, ठीक है? बाकी हम पिछली क्लास में इसके बारे में डिटेल देख चुके हैं, है ना? सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन ने? सेना को वेतन देने से अर्थ है कि सेना को नगद वेतन देना। क्या देना? नगद वेतन देना, ठीक है? नगद वेतन देना किसने स्टार्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया, ठीक है? अगला है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है लाहौर, दिल्ली, पटियाली या फैजाबाद? तो कहाँ पर? पटियाली। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो बलबन के, गियासुद्दीन बलबन के दरबार में रहते थे। कौन? अमीर खुसरो, ठीक है? अमीर खुसरो किसके दरबार में? बलबन के दरबार में रहते थे, और इनको कव्वाली गायन का जनक कहा जाता है। कव्वाली गायन का जनक कहा जाता है, ठीक है? और ख्याल गायक का भी इनको जनक कहा जाता है, ठीक है? भारतीय शास्त्रीय संगीत का ख्याल गायक जो है, ख्याल गायन के यही है। अमीर खुसरो को किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अमीर खुसरो जो थे वो किस के दरबारी कवि थे? फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं? तो गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन के ही कौन थे? दरबारी कवि थे, ठीक है? और इसके साथ में बलबन ने अपने दरबार में, अपने दरबार में क्या स्टार्ट किया? पैगोस परंपरा, पैगोस परंपरा और सजदा प्रणाली। सजदा प्रणाली क्या होगी?
घुटने पर बैठकर ऐसे शीश नभाओ, है ना, और पैरों को चूमना पैगोस परंपरा हो गई आपकी, ठीक है। चालीसा दल किसने समाप्त किया? इसी ने तो समाप्त किया था। किसने? गयासुद्दीन बलवन ने, ठीक है, गयासुद्दीन बलवन ने, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, अपने आप को कि वह खुद खलीफा है? बताएं, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनबी या मुबारक शाह खिलजी? तो किसने? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को, खुद को ही क्या कर लिया, खलीफा घोषित किया इसने, ठीक है। और ये दरबार में कभी कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता और कभी कभी बिना वस्त्रों के आ जाता, तो ये अजीब सा था। तो मुबारक शाह खिलजी ने क्या किया, अपने आप को खलीफा घोषित किया था, ठीक है। आगे देखेंगे, तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का, देखिए दिल्ली सल्तनत पर कितने लोगों ने राज्य किया, कितने शासकों ने? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और सैयद वंश, और लोदी वंश। इन लोगों ने क्या किया, शासन किया है। पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद वंश, और पांचवा लोदी वंश। तुगलक वंश कौन सा होगा, आपका तीसरे नंबर का शासक था, ठीक है। तीसरे नंबर का क्या था, ये शासक था, बताइए इसका संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने जो किसकी उपाधि धारण की, गाजी, गाजी की उपाधि, ठीक है। गाजी की उपाधि किसने धारण की, आपके गयासुद्दीन तुगलक ने, पहला शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की, ठीक है। कौन? फर्स्ट किंग। और इसके साथ में इसका जो नाम था, रियल नेम इसका, रियल नेम इसका क्या था, गाजी मलिक, गाजी मलिक, ठीक है, गाजी मलिक। इसी का भाई होता है कौन, आपका जोना खान, जोना खान, जोना खान क्या होता है, इसी का भाई होता है। और इसने इसने इसको कहाँ भेजा, तेलंगाना, तेलंगाना इसने जीता। किसने जीता, जो नेतृत्व किया उस लड़ाई का तेलंगाना के लिए, जोना खान ने किया। और जोना खान ने इसी जीत के बाद अपने आप का नाम क्या रख दिया था, अपने आप का नाम क्या रख दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी का नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी का नाम था क्या, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलिए और डिटेल हम देखेंगे आगे, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलवन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या की, अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद, यानी कि दौलताबाद, ये बहुत अच्छा राजा था, मतलब ठीक था, अच्छा राजा था कि इसे 23 भाषाओं का इसे ज्ञान था, 23 भाषाओं का इसे उसके बारे में जानकारी थी, और साथ ही में ये गणित, ज्योतिषी, खगोल शास्त्र, इसमें बहुत अच्छा इसका इंटरेस्ट था। और इसी के शासनकाल में इसके साम्राज्य का बहुत तेजी से विस्तार हुआ, और उसी तेजी से ये घटा भी, ठीक है, विस्तार भी बहुत हुआ और घट भी गया।
इसी के समय, किसके समय? मुहम्मद बिन तुगलक में, तुगलक, ठीक है। और इसका रियल नाम क्या था? हम देख चुके हैं जोना खान। इसका रियल नाम क्या था? जोना खान। मुहम्मद बिन तुगलक का असली नाम क्या था? जोना खान, जिसने तेलंगाना जीत के बाद नाम बदलकर अपना मुहम्मद बिन तुगलक कर दिया था। जीत के बाद क्या? मुहम्मद बिन तुगलक कर दिया था, ठीक है। साथ ही इसी के टाइम पर भारत में कौन आया? अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता, इसकी पुस्तक कौन सी है? सबसे रहला। और इसकी विद्वानता से खुश कौन हुआ? मुहम्मद बिन तुगलक। और इसे क्या कर दिया? इसे क्या घोषित कर दिया? दिल्ली का काजी घोषित कर दिया। दिल्ली का काजी घोषित कर दिया। किसको कर दिया? इब्न बतूता को। इसकी विद्वानता से खुश हुआ और दिल्ली का काजी इसे नियुक्त कर दिया। इसी के समय, मुहम्मद बिन तुगलक के ही समय क्या हो गया? इसके दो साम्राज्य टूटकर अलग हो गए। इसके दो साम्राज्य कौन कौन से टूटकर अलग हो गए? विजयनगर साम्राज्य, पहला विजयनगर साम्राज्य अलग हो गया और दूसरा बहमनी। हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर, नाम हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। तो ये दो राज्य टूटकर अलग हो जाते हैं, विजयनगर और बहमनी। विजयनगर और बहमनी इसके काल में टूटकर अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इसी ने अपने दरबार में होली का त्यौहार भी मनाया। अपने दरबार में क्या मनाया? होली का त्यौहार बनवाया। होली का त्यौहार मनाने वाला राजा कौन था? आंसर क्या होगा? मुहम्मद बिन तुगलक। आंसर क्या होगा? मुहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? सबसे अधिक दिनों तक शासन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी। किसने किया? मुहम्मद बिन तुगलक ने। मुहम्मद बिन तुगलक ने सबसे ज्यादा शासन किया। भारत में प्रथम प्रतीक मुद्रा खालिस्तान द्वारा प्रचलित की गई थी? फिरोज शाह तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्रथम बार प्रतीक मुद्रा, प्रतीक मुद्रा का अर्थ क्या होता है? सांकेतिक मुद्रा, यानी कि अभी आप जो सिक्का, 1 रुपए का सिक्का देखते हो, उस पर कुछ कुछ चित्र बना होता है, एक थंब का चित्र बना होता है। तो इस तरीके से सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया? मुहम्मद बिन तुगलक ने। किसने स्टार्ट किया? मुहम्मद बिन तुगलक ने। इसकी कुछ गलतियां रहीं, इस कारण से इसकी हार हुई। क्या इसकी कुछ प्रमुख गलतियां हैं, उन पर नजर देंगे हम थोड़ा। इसकी गलती क्या थी? दो आव पर इसने क्या कर दिया? टैक्स अधिक लगा दिया। दो आव पर क्या कर दिया? दो आव पर क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया, जिस कारण से अगर वहाँ सूखा पड़ता तो दिक्कत होती और किसान इस बात से भड़क गए थे। किसान क्या हो गए थे? इस बात से भड़क गए थे कि सूखा पड़ेगा तो वो टैक्स कहाँ से भरेंगे, है ना। तो इसी के लिए, किसानों की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए इसने एक ये विभाग बनाया, अमीर ए कोही, अमीर ए कोही नामक विभाग बनाया, जो किसानों की समस्या का हल करे, ठीक है। और देखेंगे इसने क्या किया, ये इसकी ये गलती थी, प्रतीक मुद्रा चलाना। प्रतीक मुद्रा चलाना इसकी क्या थी? सबसे बड़ी गलती भी थी। क्यों? क्योंकि उसने प्रतीक मुद्रा कैसा डिज़ाइन कैसा बनवाया? बहुत ही सिंपल, जो बनाने वाले थे तांबे के चलवाए थे। प्रतीक मुद्रा कैसे थे? तांबे के थे ये,
और तांवे पर कुछ भी सीधी सिंपल सी डिज़ाइन इसने बनवा दी, जिस कारण से अब हर कोई लोग बना लेगा। ऐसी डिज़ाइन बनाओ जो कोई नहीं बना पाए। इसने क्या किया, अलग बिल्कुल सिंपल सी डिज़ाइन बना दी, और इस कारण से इसका क्या होने लगा, दुरुपयोग होने लगा, लोग भी इसे बनाने लगे। तो इसका एक ये भी कारण था, है ना। तीसरा एक कारण क्या था इसकी हार का, तीसरा कारण क्या था, खरासान यानी कि ईरान, ईरान था। इस पर इसको क्या करना था, आक्रमण करना था। इस पर क्या करना था, आक्रमण करना था। और इसने क्या किया, आक्रमण करने के लिए इसने खूब सारी सेना जो है वो तो तैयार कर ली, उनको अग्रिम वेतन भी दे दिया, यानी पहले उनको वेतन भी दे दिया, उनको क्या कर दिया, पहला वेतन दे दिया। उसके बाद जब लड़ने की बारी आई, जब लड़ने की बारी आई तो क्या हुआ, खरासन के शासक से इसने क्या कर ली, संधि कर ली, है ना। और सेना को कहाँ भेज दिया, कराची की पहाड़ी पर, जहां पर क्या जनता आपस में ही लड़कर क्या हो गई, मर गई। तो इसकी जीवन की ये गलतियां थी, पांच प्रमुख गलतियां, तो इनको आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध था, इल्तुतमिश, गैसुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी, कौन था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया, क्या किया, नहरों का इसने खूब सारी जो है नहरें बनवाई, ठीक है। और अगर हम बात करें नहरों का पितामह किसे कहते हैं, नहरों का पितामह, नहरों का किसे कहते हैं, गाजी मलिक, ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक, ठीक है। और इसने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी क्या बिछवाई, इसने नहरों का जाल बिछवाया, और साथ ही में इसने क्या क्या किया आप वो देखेंगे। बारह सौ से अधिक इसने क्या बनवाए, बाग बगीचे बनवाए, बाग बगीचे किसने बनवाए, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया, 1200 से अधिक इसने बाग बगीचे बनवाए, जिसमें फलों के ये बाग थे, जिससे कि फलों की कोई कमी नहीं हो और इस स्थिति में सुधार हो, ठीक है। और इसके साथ ही इसने 300 के लगभग इसने क्या करवाया, शहर का निर्माण कराया, फिरोजाबाद, जौनपुर, फैजाबाद, तो ये सब किसने बनवाया, 300 से अधिक शहर का निर्माण किसने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने कराया, ठीक है। इसके साथ ही इसके दरबार में सर्वाधिक क्या थे, दास थे, सर्वाधिक दास, सर्वाधिक दास किसके पास थे, 1 लाख के करीब, 1 लाख से ज्यादा इसके क्या थे, दास थे, ठीक है। और इन्हीं दासों की देखभाल के लिए, दासों के देखभाल के लिए इसने दीवान ए बंदगान बनवाया, दीवान ए
बंदगान किसके लिए? दासों की देखभाल के लिए क्या बनवाया? दीवान ए बंदगान, ठीक है। और साथ ही दीवान ए खैरात, गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए इसने क्या बनवाया? दीवान ए खैरात भी इसने बनवाया, दीवान ए खैरात भी इसने बनवाया था, ठीक है। ये सब किसने किया? फिरोज तुगलक ने, ठीक है। और सल्तनत काल का अकबर भी किसको कहते हैं? ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज तुगलक। जिस तरीके से उसने दी कुछ कुछ विभाग बनवाए थे और लोगों का भला किया था, इसी तरीके से इसने भी क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने ये सब काम इसने किए, ठीक है। और एक गरीबों के लिए अस्पताल भी इसने बनवाया था, ठीक है। गरीबों के लिए अस्पताल किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अमीर खुसरो, फिरोज शाह तुगलक, यानी कि कौन किसके समय का है, ठीक है। अमीर खुसरो किसके समय के हैं? अलाउद्दीन खिलजी के हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय आए थे। बरनी, जियाउद्दीन बरनी आया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर कौन आया? बरनी आया, यानी कि 3-1। इब्न बतूता किसके समय भारत आया? इब्न बतूता आया मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है। लास्ट बचा है आपका मिनाज उस सिराज अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। मिनाज उस सिराज अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अमीर खुसरो आए थे, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3। मिन्हाज उस सिराज होगा इल्तुतमिश के समय, ठीक है। 3-1, 4-2, 3-1, 4-2, पहला ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित की किसने की? मिस्र, सुमेर, ग्रीक या फिर चीन? सबसे पहले लिखने की कला सुमेरियन, ठीक है, सुमेर। दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था, दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा क्या था? मंगोलों से, अफगानों से, ईरानियों से या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्यों? दिल्ली सल्तनत पर बाहरी खतरा किसका था? सिर्फ मंगोलों का, मंगोलों का डर किसको था? दिल्ली सल्तनत वालों का था, उनके आक्रमण का था, ठीक है। मुरीस यानी मुरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? मैंने बता दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को अफ्रीकी यात्री भारत आया था। कब आया था? 1333 में आया था। कब आया था? 1333 में आया था। 7,000 किलोमीटर की, 7,000 किलोमीटर की यात्रा को तय करके ये भारत आया था, ठीक है। कितनी? 7,000 किलोमीटर की यात्रा तय करके भारत में आया था। और इसकी विद्वानता को देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या नियुक्त कर दिया? दिल्ली का काजी यानी कि जज जो होता है वो नियुक्त किसे कर दिया? इब्न बतूता को कर दिया, ठीक है। और इसी के कहने पर फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग बनवाया। क्या बनवाया? डाक विभाग, डाक विभाग बनवाया इसी के कहने पर, ठीक है। निम्नलिखित
निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही है? शम्स ए सिराज, अफीफ तारिक ए फिरोज शाही, यही आपका सही है। तो पहला आंसर सही, ठीक है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो कौन था लोदी वंश का संस्थापक? बहलोल लोदी। और इसने सिक्का भी चलवाया था, बहलोल सिक्का, इसे बहलोली सिक्का कहते हैं, बहलोली। इसका सर्वाधिक उपयोग किसने किया? अकबर ने किया। सर्वाधिक उपयोग किसने किया? उपयोग किसने किया? अकबर ने किया। इसके बाद अगला शासक होता है सिकंदर लोधी। अगला शासक आता है सिकंदर लोधी और इसी ने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना की, आगरा शहर की स्थापना किसने की? इसी ने की, सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की, साथ ही अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी? राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी इसने? आगरा में शिफ्ट कर दी। इसके बाद ये सबसे योग्य शासक था यहाँ का। लास्ट आपका इब्राहिम लोदी आता है, ये अंतिम शासक होता है, ठीक है। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया? अकबर, हुमायूं, सुल्तान सिकंदर लोदी या शाहजहां? तो मैंने अभी बताया, सुल्तान सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और वहीं अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। किसने? सिकंदर लोदी ने, ठीक है, सिकंदर लोदी ने। आगे चलते हैं, दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? ये देखेंगे, जो दिल्ली का लौह स्तंभ है ये किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, गुप्त वंश के शासक कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये बनवाया था। इसे दिल्ली कौन लाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर मोहम्मद गयासुद्दीन या अनंगपाल? तोमर वंश के राजा, राजा अनंगपाल लाए थे, ठीक है। रणथंभौर क्या है? रणथंभौर क्या है? एक मुगल महल है, एक राजपूत दुर्ग है, या खिलजियों की राजधानी है, या बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र है? क्या है बताएं? एक राजपूत दुर्ग है, क्या है? राजपूत, एक राजपूती दुर्ग है यानी किला है, जिसे किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया इसे? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीता, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के चार प्रमुख सेनापति थे, चार प्रमुख सेनापति थे, नुसरत खान, जफर खान, उलुग खान और मलिक काफूर। गुजरात अभियान, गुजरात अभियान के समय नुसरत खान ने ही क्या किया था? नुसरत खान गुजरात अभियान का नेतृत्व कर रहा था, गुजरात अभियान में उसकी जीत हुई और नुसरत खान ने क्या किया? नुसरत खान ने 1000 दीनार, 1000 दीनार में किसको खरीदा? मलिक काफूर को खरीदा। किसको खरीदा? मलिक काफूर को खरीदा, जिसे 1000 दीनारी भी कहते हैं, 1000 दीनारी भी कहते हैं। और इसी ने किसको गिफ्ट किया? ये नुसरत खान ने जो मलिक काफूर को खरीदा 1000 दीनारी में, अलाउद्दीन खिलजी को क्या, अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया? भेंट किया, ठीक है। और इसने बहुत कुछ जीता, इसने पूरा दक्षिण भारत में, इसने दक्षिण भारत विजय के लिए किसको भेजा गया? मलिक काफूर को भेजा। और इसने बहुत सारी जगह जीती भी, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मलिक काफूर क्या नहीं जीत सका, क्या नहीं जीत सका? तो क्या नहीं जीत सका? वो होयसल वंश की राजधानी, होयसल वंश की राजधानी, होयसल वंश की राजधानी, होयसल वंश की राजधानी क्या? द्वार समुद्र,
द्वार समुद्र को कौन नहीं जीत पाया? मलिक काफूर नहीं जीत पाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण दिया? दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण दिया उर्दू, अरबी, फारसी या तुर्की? किसको दिया? फारसी। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? कागज का आगमन भारत में किस सदी में हुआ था? आंसर देंगे 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं या 15वीं। 13वीं शताब्दी में कागज का आगमन हुआ। ठीक है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? अलाउद्दीन खिलजी, बाज बहादुर, महावत खां या जहांगीर? किससे था? बाज बहादुर से था। ठीक है, बाज बहादुर से था। अगला है, भेमनी राज के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? कलीमुल्लाह या कलीमुद्दीन, अलाउद्दीन द्वितीय या सिकंदर लोधी? बताएंगे कलीमुल्लाह। ठीक है, कलीमुल्लाह। ठीक है, और इस भेमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? हसन गंगू। और यहाँ की राजधानी क्या थी? राजधानी क्या थी? यहाँ की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। ठीक है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? देखेंगे जो आपका विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य पर चार वंशों ने क्या किया? राज्य किया, है ना। चार वंश कौन कौन से थे? संगम वंश, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, तुलुब वंश और आरविडु वंश। ठीक है, जो कृष्णदेव राय थे वह तुलुव वंश के थे। ठीक है, तुलुव वंश के ये। ठीक है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। ठीक है, विजयनगर के थे। और इन्हीं के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल, तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। साथ ही कृष्णदेव राय जो थे इनको आंध्र भोज या फिर आंध्र पितामह भी कहते हैं। आंध्र पितामह और आंध्र भोज किसको कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है। ठीक है, और बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी में क्या लिखा है? क्या लिखा है कि दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। सोचो, उनकी पुस्तक में भी, बाबर की पुस्तक में भी इनका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, और इन्हीं के दरबार में आठ महान विद्वान रहते थे, जिसमें से सबसे प्रमुख कौन थे? अलसी पेडन्ना। इनको तेलुगु भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, और एक और इसी में फेमस थे, तेनाली रामा। हमने कहानी सुनी हुई है इनकी, है ना, तेलारी रामा, कृष्णदेव राय। हमने कहानी, सीरियल भी आया हुआ है तो सब लोगों ने देखा होगा। तो ठीक है, ये आपकी जानकारी।
जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी थे? कृष्णदेव राय, राजराजा प्रथम या राजेंद्र चोल या टीपू सुल्तान? किसके थे? कृष्णदेव राय के थे, ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबारी कभी थे। आगे देखेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का प्रदित्य, विजय राय या हरिहर दित्य? हरिहर बुक्का, ठीक है, दोनों भाई थे हरिहर बुक्का, ठीक है, हरिहर बुक्का। 1336 में इन्होंने अलग हो गए ये, ठीक है, अलग इन्होंने अपनी साम्राज्य स्थापित कर लिया, किसने? हरिहर बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी, मैसूर, धारवाड़ या इनमें से कोई नहीं, हम्पी, ठीक है, हम्पी। कहां पर? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ? कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर राय और बुक्का राय। किसके? राम राय। कृष्णदेव राय के बाद आते हैं अच्युत देव राय, उसके बाद आते हैं आपके राम राय। जो राम राय थे, राम राय राजा नहीं थे, अच्युत देव राय के क्या थे, ये सेनापति थे। और इन्होंने क्या कर लिया? पूरी शासन व्यवस्था अपने अंडर में कर ली। किसने कर ली? राम राय ने, ठीक है, राम राय ने क्या कर ली? शासन की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। और इस समय जो विजयनगर था, विजयनगर 5 भागों में टूट चुका था। कितने भागों में? 5 भागों में, बीजापुर, गोलकुंडा, बीजापुर, गोलकुंडा, विदर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर और अहमदनगर और बरार, ठीक है, ये 5 भागों में क्या हुआ हो चुका था? आपका विजयनगर साम्राज्य टूट चुका था इस समय, ठीक है। तो इसने क्या किया? राम राय ने इनके बीच में क्या कर दिया? फूट डालने की इसने क्या की? कोशिश की। इनके अलग अलग शासक थे, शासकों के बीच में फूट डालने की कोशिश की और वह सफल हुआ। इसकी क्या हुआ इसका परिणाम कि बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर और बिदर, बरार ने इसमें भाग नहीं लिया था। और इन लोगों ने क्या किया? युद्ध कर दिया। 1565 का तालीकोट का युद्ध इसे कहते हैं, जो कि बीजापुर के शासक, गोलकुंडा के शासक, विदर के शासक, हेमंतनगर के शासक और बरार, यानी बिदर के नहीं, ठीक है। तो इन शासकों ने किस पर हमला कर दिया? विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर दिया और विजयनगर साम्राज्य को समाप्त कर दिया। इसी में जो राम राय था वो भी क्या हुआ? मारा गया, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इटली पर्यटक कौन था? डूरेट बैरोबोच, थॉमस रो, बर्नियर या फिर निकोली कोंटी? तो निकोली कोंटी जो था देवराय प्रथम के समय आया था। किसके समय? देवराय प्रथम के समय कौन आया था? ही आया था, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? चोल, पांड्य, विजयनगर या फिर चेर? हम्पी विजयनगर है ना, हम्पी विजयनगर की है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर से बताना। जैसे समझ आता है कि आप लोगों को किस तरीके की क्लास की ज़रूरत है, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और जो भी आज की क्लास से संबंधित जो डाउट है आप वो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। और साथ ही इसकी जो PDF है, ये जो क्लास PDF आप देख रहे हैं, ये क्लास नोट्स जो आप देख रहे हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे?
टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ होगी, हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ भी आपको कहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और कल भी हम हिस्ट्री की क्लास रखने वाले हैं, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास हमारी होगी, उसके नेक्स्ट डे हमारी क्लास होगी किसके ऊपर, पॉलिटी के ऊपर, ठीक है। पॉलिटी की हमने एक क्लास कर ली है और दो क्लास कर ली है हमने, ठीक है। पॉलिटी की हमारी दो क्लास हो चुकी है, एक हमारी कल हुई थी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।